दोस्तों, ये जो एरिया मैंने आपको दिखाया, बहुत दूर है, बहुत ऑफ रोड करके आए हैं हम लोग। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और पेड़ों के एकदम बीच में बहुत ख़तरनाक सा जंगल है। जंगल के बीच में एक दो ही घर है। बहुत ऑफ रोड किया है, बहुत ख़तरनाक से। तो वो ऑफ रोड का जर्नी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऑफ रोड करके हम लोग यहाँ तक आया तो है, अभी वापस जाना है। तो वापस जाना जाने वाला जर्नी का फुटेज लेंगे हम लोग, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ख़तरनाक रोड से आया है हम लोग। तो देख सकते हैं, ये जंगल के अंदर में पूरा कद्दू लगाया है और बहुत कुछ कुछ लगाया हुआ है, पूरा डेंस फॉरेस्ट है। पेड़ देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे। चलिए ऑफ रोड स्टार्ट कराता हूँ मैं अभी। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आए थे एक दोस्त को पहुँचाने के लिए। तो आते समय में हम लोग इस छोटी सी जो रोड है यहाँ से आए थे, काफ़ी तकलीफ हुई थी। दो तीन जगह पे गाड़ी भी फंसी हुई थी और कुछ कुछ जगह में कीचड़ है, तो वहाँ से आने के लिए गाड़ी वॉबल हो रही थी प्रॉपरली। और वॉबल होने के बाद में ऐसा गाड़ी हैंडल करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे घुस गए थे। नियरली घर तक हम लोग पहुँच ही गए थे, लेकिन थोड़ा सा 1 किलोमीटर या फिर 800 मीटर के पहले ही गाड़ी रोक दी थी हम लोग, क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब था। मिट्टी भी भीगी हुई थी पूरी तरीके से। लेकिन हम लोग जैसे तैसे करके छोटा सा एक पैदल चलने वाला एक रूट था, तो वहाँ से गए थे हम लोग। तो हम लोग दो तीन दोस्त लोग घूमने के लिए निकले थे एक्चुअल में परशुराम कुंड, लेकिन एक दोस्त को पहुँचाने के लिए उसके घर में गए थे हम लोग। तो ये जो घर आपने देखा, वो काफ़ी इनसाइड ऑफ द फॉरेस्ट एरिया था। तो एक्चुअल में वहाँ पर खेती हो रही थी फॉरेस्ट के अंदर में, और वो लोग बहुत अंदर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी लैंड है और वो कल्टीवेशन करने के लिए या फिर लैंड संभालने के लिए बहुत अंदर में रहना पड़ता है। अदरक की खेती की हुई थी वहाँ पे, बनाना की खेती की हुई थी, उसके बाद में बकरियाँ पाली हुई थी और एकदम सिंपल लाइफस्टाइल थी। वहाँ पे जाने के बाद में ऐसा लगा कि मतलब ह्यूमन की फर्स्ट सेटलमेंट्स टाइप लग रहा था, क्योंकि बहुत सिंपल घर थे, बकरियाँ थी, उसके बाद में पूरे कंक्रीट वक्का या फिर कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ था, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनसे ही घर बनाया हुआ था और वे मोर इनसाइड ऑफ द फॉरेस्ट था। तो देखने के बाद में एक अलग सी ही फील आ रही थी, एक अलग ही लग रहा था कि अलग ही दुनिया में गए हम लोग मेन दुनिया से हट के। तो रास्ता भी एकदम छोटा था, लेकिन हम लोगों के साथ में यहाँ के एक लोकल भाई थे जो यहाँ पर ही रहते हैं, तो उनको हम लोगों ने साथ में ले लिया था कि चलो हम लोगों के साथ में अंदर तक। तो वो हम लोगों के साथ में आए थे और हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया अंदर में जाने के बाद में वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में देखा हम लोगों ने जो एकदम ऑर्गेनिक पानी है। आजू बाजू में छोटे छोटे झरने थे जहाँ से वो लोगों की वाटर की नीड कंप्लीट होती थी। जंगल में काफ़ी सारी सब्जियाँ भी थी, पत्तेदार सब्जियाँ या फिर मुर्गियाँ भी पाली हुई थी, तो वो सब हम लोगों ने देखा। बैम्बू की कुछ कुछ वहाँ पर बुनाई चालू थी और काफ़ी अच्छे अच्छे सीनरी थी। ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम लोग लकड़ी के ब्रिज पे पहुँच गए। तो ऐसे छोटे छोटे नाले थे वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए, आजू बाजू में काफ़ी अच्छा था। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने अपने दोस्त को घर पे पहुँचा दिया और हम लोग आगे की जर्नी के लिए जाने वाले थे, तो निकल पड़े हम लोग। और रास्ते में से तो आ गए, जाते समय में मुझे काफ़ी तकलीफ हुई थी, दो जगह में स्कूटी भी कीचड़ में फंस चुकी थी मेरी, लेकिन जैसे तैसे करके निकाल ली थी और पहुंच गए थे हम लोग बाय द वे। उसके बाद में अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और देख सकते हैं आप, दो तीन घर है यहाँ पे। घर के सामने में नींबू के पेड़ थे और अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे बकरियाँ बांध के रखी हुई थी, गाय भैंस पाली थी। ये देखिए पत्तेदार सब्जियाँ या फिर सब्जियों के थोड़े थोड़े बेल लगाए हुए थे। घर देख सकते हैं आप कितना सुंदर है। उसके बाद में रोड काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ पर रोड का बहुत आने जाने का वो लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होता होगा। ट्रैक्टर तो आसानी से जा सकता है क्योंकि मोस्टली खेती का एरिया है, तो लोग खेती करने के लिए वहाँ तक जाते होंगे ये रोड से, लेकिन ट्रैक्टर ही ठीक है। बाइक पे या फिर पैदल जाने से तो वो बहुत दूर पड़ जाता होगा। यहाँ के लोकल लोग तो यहाँ पे जो रहते हैं वो तो जैसे तैसे मैनेज कर लेते होंगे, लेकिन हम लोग नए थे तो हम लोगों को थोड़ा सा दूर लग रहा था वो। लेकिन खैर, जैसे तैसे हम लोग वहाँ पर जाके आ गए और हम लोगों को जाके काफ़ी अच्छा लगा, एक न्यू एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस हम लोगों को लाइफ में करने चाहिए बार बार, क्योंकि इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, और जो हम लोगों को करने का मन करता है वो हमेशा कर ही लेना चाहिए, क्योंकि
हम लोग बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, एक्सप्लोर करने का यही सही समय होता है जब हम लोग सोचते हैं, तो जो हम लोग सोचते हैं वो एक्चुअल हम लोगों को लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि उससे हम लोगों को और हम लोगों के मन को बहुत अच्छा लगता है। तो एक्सप्लोर और घूमते रहना हमेशा होते रहना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो बाय बाय, सी यू।